जय श्री राम सभी मेरे भाइयों को। लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है भाई, ना वो ऐड हो पा रहे हैं विक्की भैया जो हमारी टीम दिल्ली गई हुई है, रिंकू भैया, रिंकू शर्मा जी के घर पर। तो मैं दूसरे तरीके से कुछ जुगाड़ करके बात कर रहा हूँ उनसे व्हाट्सएप कॉलिंग पे, क्योंकि वो ना मेरे ऐड हो पा रहे हैं ना मैं उनके ऐड हो पा रहा हूँ। हाँ उठाओ। हाँ भैया जय श्री राम। एक बार आप ये मैं लाइव में आपको ऐड कर रहा हूँ, एक बार आप अपना परिचय देना थोड़ा सा, जो भी आपको भाई देख रहे हैं ये लाइव चल रहा है मेरा वीडियो। अरे एक मिनट, वो नहीं दिख रहा यार, फ्रंट कैमरा ऑफ किया हुआ है क्या इसका? कैमरा ऑफ किया हुआ है क्या? ब्लैक क्यों आ रहा है? हाँ आ गया। हाँ 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 आगे 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 भैया आगे, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको ऑन एक मिनट बड़ा करना है यार, एक मिनट दे रहा हूँ। ये क्या है डोर ओपन कर दो। हाँ भैया एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए, मेरे सभी भाई लाइव में जुड़े रहे, उस नंबर वापस कॉल कर दो ना। मैं उनको व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहा हूं क्योंकि इसमें ऐड नहीं हो पा रहे भैया। हेलो जय श्री राम। ये हमारी जो टीम के भाई हैं वहां पहुंच चुके दिल्ली, रिंकू भैया घर पर, मैं अभी उनका परिचय करवा। भैया जय श्री राम। भैया जय श्री राम, मैं बलवंत पाल सिंह कोटा राजस्थान से। भैया मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ भैया, बलवंत पाल सिंह। भैया मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ, बलवंत पाल सिंह। बहुत पहले तो यार हमें बहुत दुख हुआ आपके भाई को जिस तरह से, एक बार आप अपना परिचय देते, आप लाइव वीडियो पे हैं, एक बार अपना परिचय देते। आप अपना नाम बता दीजिए और आप कौन है बता दीजिए एक बार। ये हमारे मन्नू भैया हैं, रिंकू भैया के छोटे भाई, जिनकी सिर्फ जय श्री राम बोलने पर हत्या कर दी गई थी। भैया सबसे पहले तो आपको जय श्री राम, आपके भाई का जो हुआ है उस पर तो मतलब हम सिर्फ शोक व्यक्त कर सकते हैं, पर हमारे एक छोटी सी मुहिम चलाई थी हमने कोटा राजस्थान से सेवार्थी शक्ति संगठन की ओर से, तो उसमें लगभग कुछ हमारे कुछ 21,000 रुपए एकत्रित किए हुए हैं। तो भैया आप मुझे कोई अपना ऐसा नंबर दे दीजिए जिसमें फोन पे या गूगल पे हो। फोन पे गूगल पे कोई नंबर मिल सकता आपका? फोन पे ना, फोन पे वाला मुझे आप नंबर दो एक बार। एक सेकेंड यार, कोई दूसरा फोन, एक मिनट भैया रुको लाइन पे रहना। भैया लगभग जो लगभग हमारे पास जो राशि हुई थी वो कुछ 21,000 रुपए के आसपास हुई थी, और मैंने जैसे पहले भी सभी भाइयों से कहा था कि अगर सेवार्थी शक्ति संगठन के पास 99 रुपए आएंगे तो सो जाएंगे, तो उस 21,000 की राशि को हम 25,000 में कन्वर्ट करके रिंकू भैया के भाई को, मन्नू भैया को, इनको 25,000 रुपए की राशि सेंड कर रहे हैं। एक मिनट भैया नंबर बोलना धीरे धीरे। 8929 15 54 13। ये किस नाम से भैया? मन्नू शर्मा। एक मिनट भैया होल्ड करें। भैया यार ये शो नहीं हो रहा व्हाट्सएप आपके व्हाट्सएप उस पर फोन पे नंबर पे नहीं भैया, या तो आप मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उस पर फोन पे से हाई लिख के भेजें। हाँ 9783 89। हाँ आराम से 9783 89 33 44। इस बस आप हाई लिख के भेज दीजिए एक बार मेरे को। हाँ मैं ऑनलाइन ही हूं और ये सारा पैसा आपको लाइव के माध्यम से सभी के सामने देना चाहते हैं, इसलिए आपसे बोल रहे हैं भैया जी।
भैया उनकी तरफ से एक बार मैसेज आ जाए फोन पे नंबर पे। आप सभी के सामने ये ऑनलाइन इसलिए डाला जा रहा है ताकि जैसे मैंने हमेशा कहा है कि 99 हमारे पास आएंगे तो हम 100 ही डालेंगे, तो 21,000 रुपए की राशि हमारे पास लगभग आई थी, उस 21,000 की राशि को हम 25,000 करके रिंकू शर्मा जी के घर वालों तक पहुंचा रहे हैं। और ये मन्नू शर्मा उनके छोटे भाई है जिनका फोन पे नंबर है, और कोई भी कंफर्म भी कर सकता है कि राशि को छेड़छाड़ की बिल्कुल सही जगह और सही व्यक्ति तक हमारी मुहिम द्वारा चलाई गई और एकत्रित की गई राशि वो यही है। मैं दूसरे फोन पे भैया है मन्नू भैया, हुआ कुछ? हाँ आराम से आराम से। ये मन्नू भैया लाइन पे ही है, ये देख लीजिए, ये लाइव के माध्यम से दिखा पा रहा हूं मैं क्योंकि समस्या कुछ नेट प्रॉब्लम चल रही है। ये है मन्नू भैया रिंकू शर्मा जी के छोटे भाई। देखो भैया जैसे ही आप मैसेज कर दें एक बार बता देना मेरे को, और मेरे जितने भी भाई बहन माता बहन भाई जितने भी दोस्त मित्र सब देख रहे हैं इस प्लीज वीडियो को शेयर करो ताकि आज का ये वीडियो हमारे श्री मान्य जो आपके केजरीवाल जी। हाँ भैया बोलिए। इनवैलिड बता रहा है, एक बार नंबर आप वापस लिखो भैया, आपने नंबर क्या डाला है? मैंने नंबर एक मैंने आपको बता जी 97 9783। हाँ जी 83 के बाद जी 3344। हाँ जी ये किस पे? गूगल पे पे फोन पे पे? फोन पे ना, तो आप एक बार मैसेज भेजो आएगा जी। नहीं आया उस नंबर पर, आप करके दो एक बार नंबर। मनु भाई एक बार आपका नंबर ही बोल देना। 8929 आगे 15 54 13 13। इसको स्क्रीनशॉट लेकर मनु शर्मा आगे लेकर देखो। हाँ जय श्री राम लेके भेजो उसमें भैया, एक मैसेज आप मैं कर रहा हूँ जय श्री राम लिख के आपको आ गया किस पे वो 3344 वाले नंबर से। अच्छा आया जय श्री राम है ना। 1 रुपया पहले मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, मात्र 1 रुपया, पहले देख लीजिए एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ एक सेकंड रुकना भैया। हाँ एक मिनट भैया, आ गया आपका मैसेज भी, मैंने आपको क्या हुआ ट्रांसफर क्या प्रॉब्लम है मनु भैया? नेट यार अब क्या आ क्यों नहीं रहा? कौन सा बैंक है भैया? बैंक कौन सा आपका? यूनियन बैंक भैया। नेट की प्रॉब्लम आ रही है इधर से आपके यार, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, पता नहीं ये लिखा हुआ रहा है उल्टे में, शायद पढ़ने में नहीं आएगा आपके। एक मिनट भैया रुकिए। हाँ भैया 10 रुपये कुछ छोटा सा अमाउंट भेज रहा हूँ भैया, एक बार चेक कर लेना आया कि नहीं आया। 10 रुपये एक मिनट उनसे पूछ लो। ये वीडियो आज शेयर करना क्योंकि मेरे को केजरीवाल जी से बहुत प्यारी बातें करनी है 2-3, पहले एक बार उनका ट्रांजेक्शन कर दूं उसके बाद बात करता हूं। मन्नू भैया कुछ अमाउंट छोटा सा आपको सेंड किया आया, 10 रुपये आ गया ना? बस भैया मैं आपको 2 सेकंड और 25,000 डालू।
मैं इस फोन से नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं दूसरे अकाउंट से मैंने इनको भैया को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मेरे फोन से करता तो फिर मैं लाइव नहीं बना पाता। और ये आप सभी लोगों समक्ष डालना बहुत जरूरी था। हाँ जी डाल दो 25,000। एक मिनट, 20 जाएंगे, 20 डालो, 20 डाल दो। हाँ डालो, स्पीकर ऑन कर दे। ये गए हैं 20,000 रुपए। मनु भैया कितना है? हाँ आप आराम से चेक कर लो। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं ना, प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर करना। बीस हजार आ गए ना भैया? दो मिनट और रुकिए, 5,000 और डाल रहा हूं। जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं ना, सिर्फ इस वीडियो को दिल्ली में जितने मेरे भाई बैठे हैं उन तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि केजरीवाल की सरकार आते ही सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं। उन्हीं के पार्षद हमला कर रहे हैं और केजरीवाल जी हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। इसकी जगह का कोई पंचर पुत्र मर गया होता ना, अभी तक इनकी छातियां पीट पीट के छातियां लाल कर लेते अपनी। उनको सिलाई मशीन भी देते, आर्थिक मदद भी देते। 5,000 का भैया कितने आया? और ये टोटल 25,000 रुपए अमाउंट आप सबके सामने। एक मिनट जोड़ना, उसको ऐड करना उनको भैया को। मेरा वीडियो बनाने कोई कारण था। मनु भैया कितना आएगा भैया? भैया हेलो, एक मनु भैया से बात करो। भैया आ गए बस। और भैया डरने की घबराने की कभी भी कोई जरूरत नहीं है। आपका भाई भले से कोटा बैठा है पर सर उतना समय लगेगा जितना हमें वहां आने में लगेगा, और बाकी हमारे टीम के मेंबर आपसे संपर्क करते रहेंगे। मेरा नाम है बलवंत पाल सिंह, सेवार्थी शक्ति संगठन। और अब भैया से आप मेरा नंबर ले लेना, या आप मेरा नंबर भी लिख लो आप, है ना। कभी भी घबराने की जरूरत नहीं भैया। आपके इतने भाई बैठे हैं, आपका शायद एक भाई चला गया, पर आपके इतने हजारों लाखों भाई जुड़े हैं आपसे कि आपको पता भी नहीं है। भैया सदैव साथ हैं, सदैव, है ना। और मम्मी पापा को मेरी तरफ से नमस्कार बोलना भैया। आप एक तरीके से यूं समझ लेना कि आपका ये भाई रिंकू ही है, हूं मैं आपका भाई, और कोटा में रहता हूं। कभी कोटा आपका आना हो तो मेरे से मिलना, मेरा नंबर दे दिया मैंने आपको। और मैं दिल्ली जब भी आऊंगा भैया, अभी किसी कारणवश नहीं आ पाया, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं और आप सभी को दिखा देता हूं। मेरी क्या है, 17 दिन से माता जी बीमार है, तो ये अभी भी मम्मी देखो कल हॉस्पिटल से आई है। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम, आशीर्वाद दे रहे भैया मम्मी। तो भैया मम्मी के कारण मैं नहीं आ पाया आपसे मिलने, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। पर दिल्ली में जब भी आऊंगा आपसे जरूर मिलूंगा। आप केजरीवाल जी से मिलने गए थे शायद, मैंने सुना। आपसे मिले नहीं ना वो? भैया जिंदगी में इस आदमी को अभी वोट मत करना। 7 दिन बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं स्पेशल केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि अगर कोई पंचर पुत्र मर जाता ना इनके, तो अब तक सिलाई मशीन राशि दे देते। और वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि हमेशा हिंदू के साथ ही ऐसा क्यों होता है? सारे नेता क्यों चूड़ी पहन के बैठ जाते हैं? अब कहां गए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अरविंद केजरीवाल कहां मर गए? जो तुम एक पंचर पुत्र के मरते तुम विधवा विलाप चालू कर देते हो, कहां मर गए? अब तुम्हें किसी को हिंदू नहीं दिख रहा? हिंदुओं के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, उसका नाम है बीजेपी अभी तक। क्योंकि कपिल मिश्रा जी ने 1 करोड़ रुपए का सहयोग, आपको शायद 1 करोड़ का सहयोग दिया भैया कपिल मिश्रा जी ने। तो एक ही पार्टी को हमेशा दर्द क्यों होता है हिंदुओं का? क्योंकि वो पार्टी हिंदुओं की है। ये बात समझाने के लिए मैंने वीडियो डाला था। और सेवार्थी शक्ति संगठन ऑल ओवर इंडिया जहां जहां पर भी है, और हमारा कोई भी भाई हमसे कभी भी जुड़ सकता है। मेरा नंबर है 8875666999। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में आपके भाई को याद करना, मेरे से जितनी मदद होगी मैं मदद करूंगा आप सबकी। पहले रिंकू भैया से 2 मिनट बात कर लूं, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं। रिंकू भैया मेरा नंबर आपके पास आ चुका है, ठीक। और मेरे लायक कभी भी कोई भी सेवा हो, आधी रात आप मुझे फोन कर सकते हो भैया, ठीक है। जितनी हो सकेगी, जितना ज्यादा हो सके मैं मदद करूंगा। और अब थोड़ी केजरीवाल जी की मैं क्लास ले लूं, क्योंकि उस इंसान को आपसे मिलने आना चाहिए था। एटलीस्ट 1 करोड़ नहीं, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख कुछ आर्थिक मदद करें। और वो ना भी करें तो कम से कम आपको हथियार मुहैया कराने चाहिए आपके पूरे परिवार को। भैया 100% इंसाफ मिलेगा आपको, 100%।
बालाजी महाराज ने चाहा तो 100% इंसाफ मिलेगा, और आपके साथ पूरा हिंदुस्तान है जी। आप आज अकेले नहीं हो, मन्नू शर्मा को, रिंकू भाई को, शायद ही कोई ऐसा हिंदू होगा फेसबुक पर जिसने रिंकू भाई की पोस्ट ना डाली हो जी। तो आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लेना रिंकू भाई से कितना लोग प्यार करते हैं। आज उनके पास आप हो तो आप भी हमारे भाई हो जी। तो कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं, इतने भाई आपके साथ हैं कि अब कोई घर में घुसाना तो अभी तो उसकी घर की तोड़फोड़ हुई है जी। अगली बार पता नहीं क्या करेंगे। दूसरी बात, कभी भी दोबारा आपके घर में कोई घुसता है तो भाई साहब जान से मार देना। दो हो, दस हो, पांच हो, आपको राशि भेजने का सिर्फ एक ही मकसद, एक ही कारण था, हम मरने के बाद भी राशि भेज लेना। आप मारोगे ना तब भी राशि भेजेंगे। तो अब किसी हिंदू भाई को मरने की जरूरत नहीं, अगर घर में कोई भी जिहादी घुसता काट के पटक देना साले को, जो होगा निपटेंगे। ठीक है रिंकू भैया, मन्नू भैया जय श्री राम, नंबर ले लेना मेरे को, करते रहना संपर्क है ना। जय श्री राम, आपका नाम लिख के मेरे को मैसेज कर देना एक बार। ठीक है भैया जी, भैया जय श्री राम, भैया जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल भैया। और ये जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे ना, आप सभी से भी निवेदन है कि जब हम मरने के बाद भी किसी के पास राशि पहुंचा सकते हैं ना, तो आपके जीते जी भी पहुंचा सकते हैं। तो अब मरने का नहीं, टाइम टू चेंज। सेवार्थी शक्ति संगठन हर उस भाई के साथ खड़ा है जिसको नाजायज दबाया जा रहा है, नाजायज कुचला जा रहा है। और ये वीडियो उस खांसी पुत्र श्रीमान अरविंद केजरीवाल, श्रीमान कहने लायक आदमी है नहीं वैसे, फिर भी बोल रहा हूं केजरीवाल जी, कुछ 7 से 8 दिन का आपके लिए बहुत शानदार है वीडियो बनाऊंगा। आज तो मुझे सिर्फ राशि दे दी भैया को, आपको, आप दिल्ली के सीएम हो, और लानत है आपके ऊपर कि आप दिल्ली के सीएम हो, आप पार्षद बनने लायक नहीं हो। क्योंकि जब हम राजस्थान से बैठकर छोटा सा शहर कोटा से 25,000 की राशि दिल्ली भेज सकते ना, तो आप तो दिल्ली के दिल्ली में हो। कौन सी चूड़ियां पहन के बैठे हो और कौन से घाघरे में मुंह दे के बैठे हो आप, जो दो अभी किसान नेता बने हुए हैं प्रियंका गांधी और आपका राहुल गांधी। कभी किसी ने पूछा है कि सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है? प्रियंका वाड्रा का पति, वो कोई सच नहीं बताएगा आपको। और इसकी जगह, रिंकू शर्मा की जगह अगर कोई पंचर पुत्र मर गया होता ना, तो अब तक आप सब लोगों ने विधवा विलाप शुरू कर दिया होता। ये वीडियो इतना घुमाना मेरे भाइयों कि ये केजरीवाल साहब तक मेरा वीडियो भेजे, और आप केजरीवाल नहीं मोहम्मद केजरीवाल बन चुके भाई साहब आप। और जितने भी भाई मेरे दिल्ली में बैठे वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन यही करूंगा मेरे भाइयों, अगली बार ये आप पार्टी नहीं होनी चाहिए वहां पे। क्योंकि जब से आप पार्टी, ये हिंदुओं पे निरंतर निरंतर हिंदुओं पे प्रहार हो रहे हैं। अब आपको मरना है कि मारना है, ये आपके ऊपर है। सेवार्थी शक्ति संगठन आपके साथ 24 घंटे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खड़ा है। किसी भी भाई को, बहन को अपने आप को अकेला नहीं समझना और अपने आप को कमजोर नहीं समझना। नंबर बार बार इसलिए देता हूं ताकि आप संपर्क कर सकें। और केजरीवाल साहब सीएम बनते आपको झांपड़ पड़ा था ना, इस बार वोटिंग हो तो वो झांपड़ पड़ेंगे ना आपके, क्या आप सोच भी सकते हैं क्या होने वाला है। इसलिए इन 7 दिनों के अंदर अगर आप रिंकू शर्मा के परिवार को आर्थिक मदद नहीं देते, उनसे मिलने नहीं जाते, तो फिर एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाया जाएगा अच्छा वाला। और मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं, और सबसे पहले उन सभी भाइयों का हृदय से जिंदगी भर ऋणी रहूंगा जिस इंसान ने मुझे 1-1 रुपया दिया है। क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमने 10-10, 50-50, 100-100 रुपए कर 4-5 दिनों में 21,000 की व्यवस्था करी। और मैंने पहले भी कहा था सेवार्थी शक्ति संगठन मतलब हमारे बीच में हमेशा ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए मैं सबसे बोलता था कि आप जो भी पैसा दे रहे हो उसका स्क्रीनशॉट डालो। और एक बात और, जितने भी मेरे हिंदूवादी राष्ट्रवादी लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखते हैं और जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उन सभी से बोलूंगा भाइयों अपने ऐशो आराम के लिए खूब पेटीएम करवा लिया, अब थोड़ा सा ऐसे भाइयों पर ध्यान दो और इन तक राशि पहुंचाओ ताकि ये लोग मजबूत हो। फिर एक बार बोल रहा हूं, मरोगे तब भी राशि दूंगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप किसी हिंदू भाई को मरना नहीं है। अगर आपके घर में कोई घुसता है उसे काट के पटक देना। अगर घर में घुसता, अपने को घुसना नहीं है, पूरी बात सुनना और भेजे मिटाना। अगर जिहादी ताकत आपके घर में घुसती है तो
तो काट के पटक देना, जो होगा निमटेंगे। बलवंत पाल सिंह और प्रिंसी सेवार्थी शक्ति संगठन कोटा 8875666699। और ये वीडियो उस घाघरा पुत्र खांसी पुत्र केजरीवाल साहब तक पहुंचा देना कि केजरीवाल साहब 7 दिन में अगर आप मिलने नया पहुंचे ना रिंकू शर्मा के परिवार से, तो बहुत प्यारे प्यारे वीडियो आपके खांसते हुए डालेंगे। वो शायद खांसी की आवाज कहां कहां से निकलेगी वो हमें ही पता नहीं है। समझ भाई को जय श्री राम। आपका भाई बलवंत पाल सिंह सेवार्थी शक्ति संगठन।